300 रन बनाने के लिए उन्हें भी तो चाहिए ना, समय नहीं है अभी वाली चीज, वही समय भी तो टाइम लगेगा ना। ये भी होगा कि इंडिया उस गिवन टाइम में, आकाश भाई ये भी है ना कि चौथे और पांचवें दिन थोड़ा बारिश की संभावना भी है, जो वेदर को लेकर जो अपडेट आ रही है कि शायद चौथे या पांचवें दिन। संदीपन सर क्या लग रहा है, सॉरी टू कनेक्ट यू लेट, नाम सही कर दीजिए या तो संदीपन सर, अभी संदीपन कर दीजिए सर, एक ये बताइए क्या लगा आज आपको वहां पर, अजिंक्य रहाणे की बैटिंग कैसे अलग लगी और शार्दुल ठाकुर की बैटिंग कैसे अलग लगी वहां से जो कुछ आपने देखा? पहले तो मैं आपका आप लोग डिस्कशन सुन रहा था तो मतलब ऑडिबल लेकिन वही है। हेलो माइक चेक, हेलो, हाँ सर आ रही है, हाँ सर, हाँ। तो मतलब बहुत ही बड़ा कमबैक ये, जैसे कि के भारत जैसे आउट हुए उसके बाद अगर हम अभी मैच सिचुएशन अगर देखें तो वी थिंक के ये मतलब ऑलरेडी ये बहुत बड़ा कमबैक हो चुका है। एक्चुअली उस विकेट पे आप देख रहे हैं कैसे उछल रहा था, दो दो तीन बार लगा वहां शार्दुल ठाकुर को, जो गट्सी नॉक उन्होंने खेला है तो यू हैव टू गिव क्रेडिट हिम। सर क्या मतलब क्या बदलाव क्या लगा आपको बाकी बैटर्स और इन दोनों बैटर्स को देखने में, वर दे मोर कॉन्फिडेंट कि किसको छोड़ना है और किसको खेलना है, या जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अजिंक्य रहाणे की मेंटल टफनेस आपने पास्ट में भी देखी है, मेन डिफरेंस क्या लगा आपको बाकी बैटर्स और इन्होंने जिस तरीके से अप्लाई किया? मेन बैटर्स तो मेन डिफरेंस तो ये लगा कि ये दोनों सब रन के लिए गए, कुछ भी अगर मौका ये रन स्कोरिंग मौका ये लोग छोड़े नहीं, दैट इज वन थिंग, एंड इट इज द मेंटल टफनेस। जब आपको कहते ना, एक बार सौरभ गांगुली ने एक फेमस कोट है कि अगर आपको फास्ट बॉलिंग खेलना है आपके गुर्दे में दम दम होना चाहिए, तो बेसिकली अगर आपको लग रहा है हाथ में लग रहा है में लग रहा है फिर भी आप विकेट पे डटे हुए हो, आप डिटरमाइंड हो कि आप अपना विकेट देंगे नहीं, बॉलर को अपना विकेट लेना पड़ेगा, आप गिफ्ट नहीं करेंगे, तो ये माइंडसेट आज डिफरेंस लगा मुझे। और तरीके से उन्होंने दो बैटर्स ने आपने देखा होगा कि रन के लिए गए, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो सब डिफेंसिव खेल रहे हैं, उनको भी पता है कि कोई ऐसा है अनप्लेएबल बॉलर है आउट हो सकता है, तो उससे पहले जितना भी रन करना है कर लो, और तो दैट इज और अगर आप सेशन का भी रन रेट देखेंगे तो बहुत 4.5 के आसपास रन रेट है इंडिया का। संदीपन सर अगर आप मेंटल टफनेस की बात करते, देखिए अजिंक्य रहाणे ने हमेशा क्रूशियल मोमेंट्स पे स्टेप अप करा है, मेलबर्न हमें याद है आपने देखा था 36 ऑल आउट, उसके बाद आपने जो परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखी है टाइम एंड अगेन, जब भी जरूरत पड़ती है ओवरसीज नंबर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने का ही मतलब ये है कि भाई आप बड़े मोमेंट्स पर प्रेशर सिचुएशन में रन करते हो, चाहे लॉर्ड्स का शतक हमें याद हो और आज जिस मोमेंट में उन्होंने रन करे हैं, मतलब जो टेस्टमेंट है कि उनका कैरेक्टर जिस तरीके का उनका कैरेक्टर है कि भाई बड़े सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड करना, तो आज की पारी के बारे में आप क्या कहोगे, मतलब वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी पारी थी अंडर द सर्कमस्टेंसेस। एक आ रहा है, ज्यादा रन तो उन्होंने नहीं बनाया था लेकिन इससे भी बहुत डिफिकल्ट कंडीशन उन्होंने फेस किया था, जोहान्सबर्ग 2018 चेतेश्वर पुजारा के साथ उन्होंने पार्टनरशिप फर्स्ट डे में जो किया था। जी हाँ जी सर, एक तो मेंटल यही होता है। जी 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 बोलिए 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 सर। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं बोलिए आप बोलिए। मैं ये कह रहा था क्या आपको ऑस्ट्रेलियन टीम फ्रस्ट्रेटेड दिखी ग्राउंड में, क्या उनको उनको देखकर लग रहा था लेटर हाफ ऑफ दिस सेशन कि कहीं ना कहीं वो जो नो बॉल डाला वो तो पैट कमिंस के चेहरे पर था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। कैमरन ग्रीन से जो कैच छूटा वो भी साफ तौर पर ऐसा लगा कि अगर ये कहीं 100 रन और जोड़ लेते हैं तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन और दिखेगी, बट क्या आप सेंस कर पा रहे थे कि ऑस्ट्रेलियंस आर नॉट फ्रस्ट्रेटिंग, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है उन पर और खासतौर पर वो ये भुगत चुके हैं पहले भी? दो विकेट उनका नो बॉल नहीं आया, उसके बाद कैच छूटा है रहाणे का भी, शार्दुल का दो कैचेस छूटे हैं आज, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो देवर वेरी मच रैटल्ड और ये फ्रस्ट्रेशन उनके उनके गेम में दिख रहा है और इंडिया को इसका फायदा उठाना चाहिए। देखिए नया बॉल के लिए अभी भी 20 ओवर है तो इस 20 ओवर में इंडिया को जितना हो सके रन बनाना चाहिए, और ये जो ऑस्ट्रेलिया अभी देखिए ये सेशन एक्चुअली ये ब्रेक जो है ना ऑस्ट्रेलिया के लिए राइट टाइम पे आया है, क्योंकि अगर अगर ब्रेक से पहले आप उस टाइम पे देखें नेथन लायन को भी दो चौके लग गए उस ओवर में, फिर पैट कमिंस का वो फ्रस्ट्रेशन हमें ऑन द फील्ड देखने को मिला, तो अगर उस टाइम पे और भी खेल रहता ना तो मुझे लग रहा है कि इंडिया को एक रन स्कोरिंग, वो लोग डेस्परेट बॉलिंग डेस्परेट हो जाते हैं, थोड़ा इंडिया को वो रन स्कोरिंग मौका मिल जाता, लेकिन अभी जो बाहर ब्रेक में गए हैं
तो दे विल रीग्रुप एंड कम बैक। तो इंडिया को फिर से, इंडियन बैटर्स को भी फिर से रीग्रुप करना होगा, फिर से फ्रेश स्टार्ट करना होगा। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, बट आप मेलबर्न हाई रखेंगे या आज ओवल हाई रखेंगे अगर आज रहाणे का 100 आता है तो? मैं तो मेलबर्न में हाई रखूंगा, क्योंकि जैसे सर्कमस्टेंसेस में मैच, जैसे सर्कमस्टेंसेस में वो मैच खेला गया था, वो इनिंग्स रहाणे ने खेले थे, खेला था, और जैसे कंडीशंस भी था, हालांकि ये यहाँ पर भी बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस है, लेकिन मैं मेलबर्न एज ए कैप्टन ऑल्सो, आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि वो उस टाइम पे एज ए कैप्टन भी थे वो। तो लीड फ्रॉम द फ्रंट, मैच की ग्रेविटी बहुत बड़ी है अगर आप देखेंगे, इट्स अ फाइनल ऑफ अ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और आप जीते नहीं हो जी, और अजिंक्य रहाणे के लिए अब रहा और कुछ नहीं है, क्योंकि वो T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। व्हेन ही वाज देयर आप वर्ल्ड कप नहीं जीते, तो उनके पास ये एक लास्ट विकल्प है। सो ये पारी उस हिसाब से एक बहुत बड़ी पारी हो जाती है, जीत का तो हम अभी भी नहीं सोच रहे हैं, बट अगर आप शेयर भी कर लेते हो यहाँ पे मेस को तो नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते आप, देख ऐसा भी नहीं है कि इंडिया सही सोच रहा हूँ, मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ, मैं अगर सोच रहा हूँ कि अगर और आप नहीं सोच रहे लीड, मैं संदीपन सर का ऑप्टिमिज्म देख रहा हूँ, कल भी उन्होंने कहा था, बोला था वो देखिए रियलिस्टिक होता जा रहा है, मैं तो ये लग रहा है दोस्तों आपको करने हैं, मैं तो 100 रन के डेफिसिट को मैं मान रहा था एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, संदीपन सर को उसके क्लोज हो जाएंगे, वही उनको भी भरोसा था कि आपके चौथे 4-5-6 ये लगातार रन कर रहे हैं और ये तो रन करेंगे, ये तो कहते हैं वीवीएस लक्ष्मण एंड राहुल द्रविड, आपको मुझे लग रहा था कि वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड यहाँ पे रिलीव होंगे। मेरा होम ग्राउंड इंडियन बैटर्स ही है ना, ये नहीं कहा मैंने, इतना नहीं कहा था मैंने, बट प्रैक्टिकली आपको क्या लग रहा है सर, कहां पे इंडिया छोड़े कि जीत के चांसेस बने, जीत की बात करते हैं, चलो लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, देखिए अभी तो खेलना है, कहां पे आपको इंडिया छोड़ेगा जीत के लिए? देखिए अभी तो हमको, अगर हम जीत का चांसेस तभी बनेगा जीत को हम 100 तक हमें हम रख पाएंगे, उसके सेकंड इनिंग्स में मुझे लग रहा है कि इंडियन बॉलिंग ऐसे कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया को 200 या 220 में ऑल आउट कर सकता है, दे हैव द पोटेंशियल, तो अगर इंडिया 100 रन या 120 रन तक भी लीड को रखे, उसके बाद आके सेकंड इनिंग्स में 220 तक ऑल आउट करे, मुझे जो लग रहा है डिफिकल्ट होगा, हालांकि बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन ब्रिस्बेन में भी लोग कह रहे थे कि वो रन चेस डिफिकल्ट होगा, लेकिन हमने कर दिखाया था, तो अगर हम फोर्थ इनिंग्स में 300 भी चेस करते हैं तो आई थिंक वी हैव ए चांस हियर। और सर ऑस्ट्रेलिया भी सेंस करेगा ना वहां पर कि आपको उनको गेम में एडवांटेज नहीं देनी है, इनफ टाइम दे दोगे, और जो गेटेबल हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है इंग्लैंड अपने बैस बॉल से करता है, आप प्रेशर डाल सकते हो, लेकिन वो भी सेंस करेगा उनको आप इनफ टाइम नहीं दे सकते, आप वो एक ड्रॉ वाली पॉसिबिलिटी आप अपने आप को पहले सेव करना चाहोगे, ये तो बात से जितनी बड़ी होती जाएगी ज्यादातर ड्रॉ के चांसेस ज्यादा बढ़ते जाएंगे। और सर एक और चांस है ना, अगर इंडिया ने अपने टी का सेशन खेल गया फिर ऑस्ट्रेलिया को भी कम से कम 3 सेशन चाहिए कि 300-325 हम भी वहां पर रन करें, फिर कहीं ना कहीं इंडिया के दिमाग में दो चीजें रहेगी कि हम विन भी कर सकते हैं, हम ड्रॉ भी वहां पर मैच को कर सकते हैं, लेकिन टीम इंडिया के लिए अच्छा ये रहेगा कि आप पहले रन करो और ऑस्ट्रेलिया को आप सोचो कि अगली इनिंग में 180-200 पर ऑल आउट करके ना 325-350 क्या मैच में रहो, ड्रॉ की मत सोचना, अगर ड्रॉ की सोचोगे तो फिर आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं मैच में, आपको ऐसे ही खेलना पड़ेगा, जितना ना देर तक हो सके ऑस्ट्रेलिया को हमें फील्ड में रखना है, और आप वहां पर उनको फ्रस्ट्रेट करेंगे तो उनका फ्रस्ट्रेशन बैटिंग में भी दिख सकता है, मैं ऐसा नहीं कि गारंटी नहीं है कि दिखेगा, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन उनके बैटिंग में भी दिख सकता है, तो जितना देर हो सके हमें हमारे, जैसे कि हमने लॉर्ड्स में देखा था बुमराह ने इंग्लैंड को ग्राउंड पे रखा उस, जी हाँ, और उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग पूरा कोलैप्स कर गया आके, यस वो फिफ्थ डे जब मैच शुरू हुआ था कोई सोचा नहीं था मैच जीतेगा इंडिया, सब सोच रहे थे कि इंडिया मैच हार जाएगा, टी तक मैच हार जाएगा, वहां से आके इंडिया ने कमबैक किया मैच जीता, और अभी इंग्लैंड, ये यही होता है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जब भी टेस्ट मैच होते हैं तो यही होता है कि गेम चेंज होता रहता है यहाँ पर, यहाँ पर आप एक दिन या ढाई दिन के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते कि मैच कहाँ जा रहा है। सर बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो आपको इस वक्त क्या लग रहा है कि मतलब 100 रन डेफिसिट या इवन 50, अभी आपको क्या लग रहा है, क्या चीजें पॉसिबली अभी आपको लगते हुए नजर आ रही है यहाँ से? मेरा देखिए, मैं फिर भी से शॉर्ट टर्म गोल के लिए बोलूंगा, मैं बोलूंगा नया बॉल तक, सेकंड न्यू बॉल तक कोई विकेट ना जाए, माय बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो एज ऑफ नाउ, और अगर विकेट नहीं जाएगा तो ये दो जो बैट्समैन जैसे बैटिंग कर रहे हैं 80 रन शायद 20 ओवर में। वाह, ओके सर, थैंक यू सो मच, लंच भी ओवर होने वाला होगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू थैंक यू।
बाकी आप क्या क्या लग रहा है अब नई बॉल, जैसा संदीपन सर ने भी कहा अभी 20 ओवर पुरानी दूर है, लेकिन देखो आपके लिए करना पड़ेगा अगर आपने कर दिया आपको रन तो बनाने